मुझे ये लग रहा है कि विश्वविद्यालय के लिए और पूरे स्टेट के लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय इस प्रदेश का पहला संस्थान बना है जिसको ए प्लस ग्रेड, क्योंकि ए प्लस ग्रेड के लिए 3.25 से लेकर के 3.5, तो हमारा जो CGPA है 3.42 है, वी आर वेरी क्लोज टू ए प्लस प्लस। और इस चीज़ के लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ जिनके अथक प्रयास से, क्योंकि दिस वॉज नॉट ओनली ओवरनाइट जॉब। दो साल से हमने AQR से लेकर के IQA से लेकर के SSR से लेकर के DVB थर्ड पार्टी इवेल्युएशन से लेकर के SS से लेकर के और उसके बाद NAC पीयर टीम विजिट के आने तक, ये सारा हर स्टेज का जो इवेल्युएशन है, हर स्टेज में हम खरे उतरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो NAC का है, हमारे पास कई चैलेंजेस भी बन करके आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा कि हम जो आने वाले समय में नाउ वी कैन स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज, 13 कोर्सेज ऐसे हैं जो हम इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट। डेब UGC में मेरी बात हुई है, इस साल से जनवरी ऑनवर्ड हम 10 जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्किल बेस्ड होंगे, जिसमें ना केवल विद्यार्थी, क्योंकि वो ऑनलाइन होंगे, ना केवल विद्यार्थी इंडिया से ही होंगे बल्कि इंडिया के बाहर के विद्यार्थी भी उसमें एडमिशन लेंगे। मेरा मानना है कि हम लगभग उन 10 कोर्सेज के माध्यम से लगभग 2,500-3,000 एडमिशन्स जो हैं वो उसमें ले पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। अब हम ए प्लस आने के बाद अपने कैंपस का विस्तार इंटरनेशनली और इंटरनेशनल जो अच्छी विश्वविद्यालय हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, उनके कैंपसेस यहाँ पर हम खोल सकते हैं। हमारा अपना कैंपस बनना स्टार्ट हो गया हुआ है। मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में कुछ अच्छे फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई हैं, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी है, मिलान की जो इटली यूनिवर्सिटी है, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी है, श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है, इस तरह से कुछ एक विश्वविद्यालयों के साथ हमारा अभी हाल ही में MOU साइन हुआ है। मुझे लगता है कि उनके कैंपसेज भी समय आने पर हम यहाँ पर खोलेंगे।